65 साल तो आपने राज किया भाई, ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक ये बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई। मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है, और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखा पट्टी करती है ना, वो चुप रही। प्रधानमंत्री जी इस वक्त देखिए कांग्रेस से सबसे ज्यादा हमला कर रहे हैं, आजकल विपक्ष पे नहीं कर रहे हैं उतना जितना कांग्रेस पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको कांग्रेस को वो उनको लग रहा है कि कांग्रेस उठ रही है। घोषणा पत्र है, चुनाव घोषणा पत्र, और उसमें जो चीजें लिखी हुई है उससे डर क्यों रहे हैं? तो न्यूज 18 पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू के दौरान न सिर्फ विपक्ष पर तीखे प्रहार किए बल्कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लेकर तुष्टीकरण प्लान और परिवारवाद तक को लेकर हमला बोला। पीएम ने अर्बन नक्सल को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। पीएम के बयान का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समर्थन किया, तो उधर कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी के इंटरव्यू पर निशाना साधा गया। सबसे पहले पीएम ने इंटरव्यू के दौरान क्या कहा वो सुन लीजिए। इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो अगर ये सही है तो 50-60-65 साल तो आपने राज किया भाई, ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक की ये बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई। नंबर वन। नंबर टू, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है, और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखा पट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, वगैरह उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी उस पर पहला अधिकार किसका होगा।